अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम यासिर है और हेल्थ टेक इन्फो से बात कर रहा। सर्दियों में तो ठंड के कारण शिवरिंग होती है, पर बुखार आने पर तो गर्म शरीर भी कांपने लगता है। आखिर क्यों? ये आपका ब्रेन है और इसमें ये हाइपोथैलेमस है जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। जब कोई पैथोजन यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करता है, तब ये कुछ प्रोटीन्स रिलीज करता है जिन्हें एक्सोजीनस पायरोजेंस कहते हैं। इस पैथोजन की एंट्री से आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए WBCs भेजता है, जो साइटोकाइंस या एंडोजीनस पायरोजेंस रिलीज करती हैं। ये पायरोजेंस मिलकर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिलीज करवाते हैं, जो हाइपोथैलेमस को बॉडी के टेम्परेचर बढ़ाने का सिग्नल देते हैं, क्योंकि बहुत से पैथोजेंस हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी का सेट पॉइंट यानी बॉडी के लिए आइडियल टेम्परेचर, जो अप्रोक्स 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उसे इंक्रीज कर देता है, जिससे आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ठंड लगती है। इस ठंड से बचने के लिए आपकी बॉडी में दो चीजें होती हैं। पहली, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन यानी ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना, जो हीट लॉस रोकता है, और दूसरी, मसल्स का इनवॉलंटरीली टू एंड फ्रो मूवमेंट, जिससे आप शिवर करते हैं और हीट जनरेट होती है।